मीरा जी का मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर, और ये मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है यहाँ का। अभी पहला हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी में, अपने आपको जौहर में जला दिया, यानी कि मीरा भाई अपने जौहर से जुटी हुई ना, जो अपने मायके से जो मूर्ति लेके आई हुई मूर्ति लेके मीरा द्वारिका चली गई थी सर। अभी प्रजेंट टाइम 2002 के अंदर बिला सीमेंट वालों ने मीरा और किस यहाँ पे दो मंदिर बने हुए देख रहे हैं। बड़े वाला मंदिर 8वीं शताब्दी का बनाया गया 1200 साल पहले बप्पा राव द्वारा, जो विष्णु का तीसरा होता था नौरा बड़ा का मंदिर था। लेकिन जब पहला हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी में, अपने आप को जौहर में जला दिया, फिर उस गुस्से में वरा की मूर्ति को तोड़ दिया। फिर बाद में जो राणा कुंभा हुए थे, कुंभ श्याम टेम्पल नाम रख के राधा कृष्ण राम का मूर्ति लगाया, वो छोटा मीराबाई का यहीं पे जहर दिया, अमृत हो गया, फूलों के टोकरे में साथ भेजा, माला बन गया। यानी कि मीराबाई अपने जोर से जुटी हुई ना, जो अपने मायके से जो मूर्ति लेकर आई हुई मूर्ति लेकर मीरा द्वारिका चली गई थी सर। अभी प्रजेंट टाइम 2002 के अंदर बिला सीमेंट वालों ने मीरा और किसका नया मूर्ति लगाई थी इस मंदिर में। इस मंदिर में ये बड़ा वाला मंदिर जो देख रहे हैं आप उधर से जो देखेंगे ना पीछे का पोर्शन, जो अपने उड़ीसा के अंदर पूरी मंदिर है जगन्नाथपुरी सेम आर्किटेक्चर, आगे का भाग जो आप देखेंगे जो अपने गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर बना ना, आगे सोमनाथ पीछे जगन्नाथपुरी वाला। इसके बाद में अंग्रेजों के टाइम में जो महाराणा प्रताप सिंह जी हुए मंदिर का दोबारा जीर्णोद्वार किया, सामने विष्णु का मूर्ति लगाया, इसी के सामने विष्णु का मूर्ति होता ना गुरुड़, गुरुड़ जी को बिठाया गया, इस गेट को जीर्णोद्वार किया, एक जैन आर्ट लगा दी गई, तोरण द्वार जो बोलते हैं ना जैनियों का, ये एक ही पत्थर के अंदर कलाकारी के 1906 में चारों बाउंड्री वॉल बना के प्रताप सिंह जी ने कम्प्लीट किया। तो राधा कृष्ण बलराम का है और मीरा और कृष्ण का बना हुआ, इसी के सामने एक छतरी बनी हुई है, जो मीराबाई के जो गुरु थे ना संत रोहिदास जी, उनके चरण पादुका बने हुए हैं, यानी रोज तो गुरु जी का दर्शन होंगे ना, चरण छू के मीराबाई नाचगान के करती है। दोनों मंदिर देखेंगे फिर आगे चलेंगे सर, मीराबाई का और कुंभ श्याम टेम्पल। चलो